हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बात किया था एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस वीडियो में आपसे बात करते हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फोर पहले आपको बताते हैं हाउ मच इज जीरो ग्रेटर देन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस 7b स्क्वायर। मीन्स जीरो से कितना बड़ा है, जीरो इस नंबर से कितना बड़ा है। तो जीरो जब बड़ा होने जीरो बड़ा होने की बात करा, जीरो में से इस नंबर क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। जीरो माइनस ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 7b स्क्वायर। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए जीरो प्लस और ये माइनस माइनस, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जीरो में से अगर किसी जीरो में इसको ऐड करेंगे तो वही नंबर देगा। मीन्स ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस 7b स्क्वेयर। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर इज 4x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 6 स्क्वेयर यूनिट। ठीक, द एरिया द ट्राइंगल इन साइड द स्क्वेयर, द ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल है जो इनसाइड ऑफ द स्क्वायर है। ये कह रहा है कि ए ट्रायंगल इनसाइड द स्क्वायर हैज एन एरिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, जितना ये रंगा हुआ भाग है, ये देखिए ये जितना रंगा हुआ भाग यहाँ से लेके ये पूरा जितना रंगा हुआ भाग है इसका, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस पूरे रंगे हुए भाग का आपको एरिया निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका दिया गया है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये है। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो माइनस का मल्टीप्लाई इस पर पूरे में करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। इट्स ओके, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दिया गया। अच्छा, 4 में से 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। माइनस 2x है यहाँ, प्लस 4x है, तो प्लस 4 में से 2 निकलेगा, तो प्लस 4 में से 2 प्लस 4x में से 2x जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। अच्छा, 5 और 6 दोनों माइनस में हैं, दोनों को ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा, 6 5 11 और माइनस साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 ई स्क्वायर यूनिट। इट्स ओके। नेक्स्ट आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम द सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर सम बोला है पहले, फ्रॉम द सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों का क्या कहा, उसने सम करने के लिए कहा है, फिर सब्ट्रैक्ट बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए पहले दोनों का सम कर लेते हैं, एक्स में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4x, ये प्लस माइनस 2xy प्लस 2xy कट जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ये हो गया आपका, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, 2y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, ये प्लस 4xy है।
ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, इट्स ओके, ये दोनों आपके आंसर हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।